पुलिस प्रशासन का इंसानियत मर गया, हम सबके सामने बोल रहे हैं। जब किसी एक घटना पर दो अलग अलग पक्ष सुनने को मिले तो उस घटना का सही अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक घटना है तिलौथू की, जहां पर परिवार वालों का और पुलिस का बिल्कुल विपरीत पक्ष आ रहा है। इस घटना में एक मृतक जिसका नाम मल्लू यादव है, उसकी मौत के कारणों पर परिवार वालों का पक्ष कुछ और है और पुलिस का पक्ष कुछ और है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस के टॉर्चर से ये मौत हुई है, वहीं पुलिस का कहना है कि जो पुलिसिया कार्रवाई थी उसके दौरान मल्लू यादव छत से कूद गया और जिसमें उसकी मौत हो गई। इस घटना को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल मल्लू यादव के ऊपर एक आरोप था कि वो रेत से भरे हुए ट्रैक्टर्स को पुलिस की अभिरक्षा से छुड़वाने का काम करता था और उसी की कार्रवाई में यानी उसी की छापेमारी में पुलिस मल्लू यादव के घर गई थी। और ये पुलिस का कहना है कि उसके बाद जब पुलिस वहाँ छापेमारी में घर गई तो मल्लू यादव छत से कूद गया और जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार वालों का कहना है कि मल्लू यादव जिस समय पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पुलिस की अभिरक्षा से ट्रैक्टर्स को छुड़ा रहा था, उस समय वो पेट्रोल पंप पे मौजूद था। यानी पुलिस का आरोप बेबुनियाद था और इसके एविडेंस के रूप में सीसीटीवी के फुटेज मौजूद हैं जिन्हें स्थानीय थाना को और पुलिस को दे दिया गया था। इसके बावजूद भी पुलिस ने टॉर्चर करने की नीयत से उनके घर पर छापेमारी की और उनके टॉर्चर से ही मल्लू यादव की मौत हो गई। परिवार वालों का क्या कहना है एक बार? भाई का प्रशासन द्वारा हत्या किया गया है। हम चाहते हैं कि अर्चना मैडम हमारे घर के डबल दरवाजा तोड़कर छत पर सोए हुए थे, मारकर उसको पीछे में फेंक दिया गया, जो मृत स्थिति में पाए जाने के बाद देखकर वहां से भाग गई। हम उसको यहां से जेल भेजवाना चाहते हैं। हमारे भाई के क्यों मर्डर किया? आतंकवादी थे या कोई गुनाह किए हुए थे? दूसरा गाँव का बालू का मामला था, इसमें इनका बेकसूरी नाम दिया गया था, जो कि सीसीटीवी फुटेज में ये पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करते थे, उनका हम फुटेज निकलवा कर एसपी के यहाँ, डीएसपी के यहाँ सब हम लेटर दिए, गुहार लगाते रहे, दौड़ते रहे कि सर इसका जांच किया जाए, कोई जांच नहीं हुआ। आज वो अपना घर का अकेला वारिस थे कमाने के लिए, आज उनका पीछे कोई नहीं है, वो बाल बच्चा छोटा छोटा है, कहाँ से वो जिएगा खाएगा? इसका कार्रवाई होना चाहिए। जो उनको संगे पेट्रोलिंग में गया है, जो भी जाके उनको मार के फेंका है उधर, जितना उस गाड़ी में था उस सब पर कार्रवाई होना चाहिए, उस सब पर मर्डर केस होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, तब हम लोग सड़क पर उठेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। एसडीपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्या सर? अर्चना मैडम की बात कर, हाँ यही स्वयं गई है अपना पूरा दल बल लेकर यहाँ से जाकर, वहाँ दरवाजा तोड़कर छत पर सोए हुए थे, उनको खींच कर ला रहे थे, मार डंटा डंटा पीटा, लास्ट में नहीं आने के कारण पीछे ढकेल। यही सर हम चाहते हैं, जो कि हम इसके लिए 15 से 17 दिन हो गया डीएसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ हम एप्लीकेशन दिए हैं, डीएसपी के यहाँ शनिवार के जाके गोड़ पकड़ के गुहार लगा रहे थे कि सर आप चल के जांच कर लीजिए, नहीं आए। अगर वो आज आए होते तो मेरे भाई का जान नहीं जाता। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जितना पेट्रोलिंग में आए हुए थे मेरे घर उस सब पर मर्डर केस होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। घर में हेल कर मर्डर किया है, प्रशासन के कान न्याय न्याय दिलाने के लिए, और ये जनता की भलाई कर रहे हैं, बताइए हम लोग गरीब आदमी। सुना परिवार वालों को, बहुत आक्रोशित हैं वो, और इस आक्रोश का एक भयानक रूप देखने को मिल रहा है तिलौथू सासाराम पथ पर, जहां पर उन लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले पर पुलिस ने अपना क्या पक्ष रखा है वो भी जो है अवैध बालू से संबंधित केस में वांछित मान्य अभियुक्त है, उसी के रेड में गई थी और पुलिस से इनका भेंट भी नहीं है, और ये अपना पुलिस जब दरवाजा खुलवाया थे अपना भागे, उसके कर्म में शायद लग रहा है जैसा कि अपना गिरे हैं, उसमें जो है मौत हुई है, लेकिन इसमें कहीं से
पुलिस कोई एक्शन लिया है उसके कारण मौत हुआ ऐसा बात नहीं है। बाधवा की बात रही कि ये ठीक है जांच का विषय है, लेकिन सच्चाई है जैसा कि बताया गया है। ठीक है सर, परिजनों का आरोप है कि कुछ दिनों पहले जांच के लिए आवेदन भी दिया गया था, बावजूद सर कार्रवाई नहीं है। देखिए आप अच्छा से जानते हैं कि अभी बहुत सारे आवेदन डेली जाँच में पड़ते थे, सबका एक साथ जाँच करना उतना संभव नहीं है। तो मात्र अभी दो तीन दिन पहले आवेदन इनका पड़ा था, तो बहुत सारी व्यवस्था है और उसमें बहुत सारे आवेदन है, थे उसमें थोड़ा समय लगता है और आज का डेट ही था कि इनका जांच भी किया जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए अगर निर्दोष है तो अपने को क्या है, निर्दोष भी बाहर आते हैं सरेंडर कर जाते हैं, भागने का क्या जरूरत था। पक्षों को, पुलिस के पक्ष को भी और परिवार वालों के पक्ष को भी, दोनों पक्ष एक दूसरे से विपरीत है। पता नहीं चल पा रहा है पक्ष को सुनकर कि सच्चाई क्या है, यानी यहाँ एक बहुत ही बड़े स्तर के जांच की आवश्यकता है। उस जांच से ही पता चलेगा कि पुलिसिया कार्रवाई में गलती है या परिवार वाले गलत बोल रहे हैं। इसमें वो सीसीटीवी फुटेज भी बहुत मायने रख रहा है, जिस सीसीटीवी फुटेज का जिक्र परिवार वालों ने किया है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें ये दिख रहा है कि मल्लू यादव उस समय पेट्रोल पंप पर कार्य कर रहा है, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान लग जाएगा कि फिर पुलिस द्वारा उस कार्य में, यानी कि रेत से भरे हुए ट्रैक्टर्स को पुलिस के अभिरक्षा से छुड़वाने के आरोप में किस तरीके से उनको उसको नामजद किया गया है। हालांकि स्थानीय विधायक ने भी पुलिस के कार्यवाही पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा है, साफ साफ कह दिया है कि पुलिस पैसा लेकर काम करती है और साथ ही साथ पुलिस की इंसानियत मर चुकी है। एक बार आप स्थानीय विधायक होना चाहिए, सातों जिला से ठीक है, उतावा की चीज है तो भाई एक अंडरस्टैंडिंग है कि सातों का हम रखे हैं, लेकिन मेरा तो होना चाहिए, मेरा फोन उठना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए। हम करवा देंगे इसको, तुम करवा देंगे, वैसे हम सिविल के हैं लेकिन हम करवा देंगे। ना ना सर, सिविल तो हर सिविल तो हर जगह सेव करेगी। एक सिस्टम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। नहीं हम ये इंश्योर तो कराते हैं, ये आप हमको प्रशासन से देखिए, नौकरी से हट के भी एक अपना जमीर होता है, इंसानियत होता है। पुलिस प्रशासन का इंसानियत मर गया, हम सबके सामने बोल रहे हैं। आज तक जितने थाना इंचार्ज थे जिससे बोल रहे, हम आज तक गलत पैर भी नहीं करते, जेन्युइन के लिए फोन करते हैं, लेकिन को केवल पैसा चाहिए। अभी आपने सारे पक्षों को सुन लिया, पुलिस का क्या कहना है, परिजनों का क्या कहना है, स्थानीय विधायक का क्या कहना है। आगे जो भी अपडेट आएगा उसको देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।